नवरात्र आ गई है और सबसे बेस्ट समय आ गया है मनोकामना को पूरी करने का। इस नवरात्र में इस उपाय को करके, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इस उपाय को करके आप अपनी किसी भी इच्छा, किसी भी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं नवरात्र का जो समय होता है ये बहुत ही उचित समय होता है माता रानी को खुश करने का, माता रानी को अपनी मनोकामना कहने का। माता रानी इस समय में हमसे खुश होकर हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी कर देती है। तो आज मैं आप लोगों को जो उपाय बताने वाली हूँ, इस उपाय को करके आप इन 9 ही दिनों में अपनी किसी भी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं, किसी भी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशन से लेके हो, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो फ्यूचर को लेके हो, चाहे वो घर को, स्वास्थ्य को, मतलब किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान, किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूरी करना हुआ, वो आप इस उपाय से कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या उपाय है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आप जान लो मैं कौन। मैं आराधना गौतम आप सभी का स्वागत करती हूँ वी नेचुरल चैनल पर। दोस्तों, ये जो नवरात्रा होती है ये साल में 4 बार आती है, ठीक है। एक तो शरद वाली नवरात्रा, एक ये चैत्र वाली नवरात्रा, और बीच में आती है 2 गुप्त नवरात्रे। तो 2 जो गुप्त नवरात्रे है इसका हमें आमतौर पर पता नहीं चल पाता, पर ये जो 2 नवरात्रा, शरद वाली जिसमें दांडिया होता है और ये जो चैत्र वाली, ये बहुत ही उचित समय होता है अपनी मनोकामना पूरी करने का, माता जी को प्रसन्न करके इच्छा पूरी करने का। तो दोस्तों क्या उपाय करना है, आपको सिर्फ एक पान का पत्ता लेना है, ठीक है। पूरे 9 दिन आपको इस उपाय को करना है, डेली करना है। आप चाहे तो अपने घर में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो माता जी के मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसमें सहूलियत है, आपको किसमें आसान लगता है वो करें आप। क्या करना है, आपको लेना है पान का पत्ता, ठीक है, जो हरा पान होता है वो ले लीजिए। अब इसके दोनों साइड आपको सरसों का तेल लगा लेना है, ठीक है। पान के पत्ते पे दोनों तरफ सरसों का तेल लगा ले। अब जो इसका सीधा वाला साइड होता है, जो चिकना वाला साइड होता है, जिस तरफ शाइनिंग होती है, वहां पर आपको रखना है 5 लौंग, ठीक है। 5 लौंग रख लीजिए और इसको आप किसी प्लेट में रख लें, ठीक है। प्लेट में रखने के, एक प्लेट में इस पत्ते को रख लीजिए। पहले तो इसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगा लीजिए, फिर आपको इसको सीधा रख लीजिए, उस पर 5 लौंग रख दीजिए। अब इस प्लेट को, इस पत्ते को आपको माता जी के मंदिर में रखना है, ठीक है। माता जी के मंदिर से मतलब है आप आपके घर में जहाँ पर पूजा स्थल है वहां पर रख सकते हैं, आप अगर चाहें तो मंदिर जाकर वहां पर भी इसे रख सकते हैं। रखने के बाद में आपको वहां पर इसे रख दीजिए, फिर माता जी के चरणों में आपको नमन करना है, अपनी इच्छा माता जी से कहनी है कि हे मातेश्वरी, मैं ये जो उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए कर रहा हूँ। जो भी मनोकामना है वो कहिए, आप जल्द से जल्द मेरी इच्छा को पूरी करने में मेरी मदद कीजिए। ऐसा करने के बाद में आप इस पान के पत्ते को उठाएंगे, इसमें जो लौंग है उसको इसके बीच में ही दबे रहने दें, जिस तरह से बीड़ा तैयार होता है उस तरह से इस पान के पत्ते को फोल्ड कर लीजिए। इसे हाथ में लेके और मंदिर की आपको 5 परिक्रमा लगानी है, ठीक है। माता जी के मंदिर की 5 परिक्रमा लगा लीजिए। परिक्रमा लगाने के बाद में ये पान के पत्ते को आप किसी भी गाय को खिला दीजिए, ठीक है। किसी भी गाय के को आपको खिला देना है। अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप कहेंगे परिक्रमा कैसे ले, तो आप बस वहीं पर खड़े होके, जैसे खड़े खड़े गोल घूमते हैं ना, उस तरह से 5 परिक्रमा लेके और फिर इसको आप गाय को खिला दीजिए। बस इतना सा करना है, 9 ही दिनों तक करना है, एक भी दिन चूकना नहीं चाहिए। 9 दिन तक आप इस उपाय को कीजिए और फिर आप खुद देखें, आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी, माता जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है इस उपाय से। आप इसे कीजिए जरूर, फिर जब रिजल्ट मिले मुझे शेयर जरूर कीजिए। आप कमेंट करके बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नवरात्रे 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप 2 अप्रैल से ही इस काम को करें, आप खुद देखें रिजल्ट। 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चलने वाले हैं नवरात्रे, तो आप इसे ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।